स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनते बनते एक सियासी मुद्दे में तब्दील हो चुके सूर्य नमस्कार के मामले पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी खुलकर समर्थन दिया है। उन्होंने कहा है कि सूर्य नमस्कार नहीं है आरएसएस और हिंदुत्व का एजेंडा, ये बच्चों के स्वास्थ्य के लिए उठाया गया एक उचित कदम है। पूरे प्रदेश में चर्चा और सियासत का मुद्दा बन चुके सूर्य नमस्कार के मुद्दे पर अब तक हो रही बयानबाजी के बीच मुख्यमंत्री ने भी इसके पक्ष में बयान दिया है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने स्कूलों में सूर्य नमस्कार और योग क्रियाएं कराने के निर्णय का विरोध करने वालों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह निर्णय बच्चों के स्वास्थ्य के हित में है। राजे ने शुक्रवार को आयुष मेले के उद्घाटन पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि स्कूलों में सूर्य नमस्कार और योग क्रियाएं कराने का कुछ लोग यह कहकर विरोध कर रहे हैं कि ये संघ के कहने पर किया जा रहा है, लेकिन ये योग हमारी प्राचीन पद्धति है। पूरी दुनिया योग दिवस मनाने जा रही है तो फिर हमें अपनी ही पद्धति से क्यों पिछड़ना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूर्य नमस्कार और योग क्रियाओं के लिए सिर्फ 15 मिनट लगेंगे जिससे बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार होगा। राजे ने कहा कि स्वास्थ्य की दृष्टि से सरकार के इस निर्णय का विरोध उचित नहीं है, ना तो ये संघ का मुद्दा है ना ही हिंदुत्व का मुद्दा। हालांकि कांग्रेस ने शुरू से ही सूर्य नमस्कार के मुद्दे पर अपना एतराज जताया है, लेकिन भाजपा के ही एक विधायक ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से इस मामले पर एतराज जताया। अब देखना ये है कि केंद्र से लेकर राज्य तक एक स्वर में सूर्य नमस्कार के समर्थन में उठ रहे स्वरों के बाद क्या स्कूली शिक्षा में सूर्य नमस्कार और योग शिक्षा लागू हो पाती है या। सत्ता और संगठन में पद का इंतजार कर रहे भाजपा नेताओं को अब 31 मार्च तक इंतजार करना होगा। जी हाँ, सूबे में धीमी रफ्तार से चल रहे भाजपा के सदस्यता अभियान ने प्रदेश संगठन के विस्तार और सरकार में होने वाली राजनीतिक नियुक्तियों पर ब्रेक लगा दिया है। सरकार और संगठन के मुखिया चाहते हैं कि पद की लालसा में भाजपा कार्यकर्ता अभियान में जी जान से जुटे रहे ताकि समय पर अभियान पे दिया गया लक्ष्य पूरा हो सके। प्रदेश में 31 मार्च के बाद ही भाजपा संगठन का विस्तार और सरकार में नई राजनीतिक नियुक्तियां होगी। जी हाँ, सूबे में चल रहे भाजपा के सदस्यता अभियान की धीमी रफ्तार के चलते प्रदेश नेतृत्व ने ये निर्णय लिया है। हालांकि राजनीतिक नियुक्तियां करना या नहीं करना मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन प्रदेश नेतृत्व के आग्रह को सीएम राजे ने भी मान लिया है। दरअसल प्रदेश भाजपा यदि अभी जिले और प्रदेश कार्यकारिणियों का विस्तार करता है तो पद नहीं मिलने में कार्यकर्ता और नेताओं में विवाद हो सकता है और विवाद का सीधा असर सदस्यता अभियान पर पड़ेगा। वहीं केंद्र ने सूबे में मार्च तक 85 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया है, जिसे पूरा करने के लिए आला नेताओं ने ज्यादा सदस्य बनाने वालों को सत्ता और संगठन में पद दिए जाने की लॉलीपॉप दी है। बहरहाल अभियान की गति बढ़ाने के लिए सत्ता और संगठन का यह अंतिम प्रयास है और उम्मीद की जाना चाहिए कि यह प्रयास कामयाब रहे। लेकिन जरूरी नहीं कि अभियान के दौरान जिन नेताओं का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है उन्हें सत्ता और संगठन में मनमाफिक जगह मिल पाए, क्योंकि अब तक ये प्रथा रही है कि भाजपा के आला नेता इस प्रकार के आश्वासन कार्यकर्ताओं को अमूमन देते रहते हैं। जयपुर नगर निगम के आगामी वित्तीय वर्ष के बजट को मंजूरी मिल गई है। यह बजट अनुमानित 1257 करोड़ का होगा। जयपुर नगर निगम का 2015-16 के लिए बजट 1257 करोड़ का होगा। जयपुर नगर निगम के 5वें बोर्ड की पहली साधारण सभा की बैठक महापौर निर्मल नाहटा की अध्यक्षता में हुई, जहां महापौर ने साधारण सभा की बैठक में नए साल का बजट सदन में रखा। इसके बाद सभी पार्षदों की ओर से बजट पर बहस के बाद इसे मंजूरी दे दी गई। करीब 1257 करोड़ का यह बजट पिछले साल की तुलना में 129 करोड़ ज्यादा है। राजधानी जयपुर की सफाई व्यवस्था के सुधार के लिए इस बजट में सफाई के मद सबसे ज्यादा प्रावधान किया गया है। एक साल बाद हुई इस साधारण सभा की बैठक में कांग्रेसी पार्षदों ने बजट अभिभाषण को मुद्दा बनाकर जमकर हंगामा किया। हालांकि इस दौरान मजे की बात यह रही कि जब कांग्रेसी पार्षद बैल में आकर हंगामा मचा रहे थे, उस समय महापौर निर्मल नाहटा बजट भाषण पढ़ रहे थे। कांग्रेसी पार्षदों का आरोप था कि महापौर ने बैठकर बजट पढ़ा, जो सदन की गरिमा के विरुद्ध है। जयपुर नगर निगम के 5वें बोर्ड की साधारण सभा की बैठक में कांग्रेसी पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान उन्होंने बजट की कॉपी फाड़ कर भी महापौर पर फेंक दी। नगर निगम भरतपुर की बजट बैठक आज भारी हंगामेदार रही। 66.5 करोड़ का बजट आज इस बैठक में पास हुआ, तो वहीं सफाई व रोशनी के मुद्दे पर पार्षद लड़ते हुए नजर आए। भरतपुर नगर निगम की आज हुई बजट बैठक भारी हंगामेदार रही और मेयर सहित सभी पार्षद बेहद खराब सफाई व रोशनी व्यवस्था को लेकर खासे नाराज नजर आए और पूरी बजट बैठक सफाई और रोशनी के मुद्दे पर उलझी रही। हालांकि पार्षदों के भारी शोर शराबे के बीच नगर निगम का 66.5 करोड़ का बजट पारित भी हो गया। बैठक की शुरुआत करते हुए मेयर शिव सिंह भौट ने
सफाई व्यवस्था खराब होने की शिकायत सीईओ सुचित त्यागी को करते हुए कहा कि इन दिनों पूरे शहर की सफाई व्यवस्था लचर हो चुकी है। बाद में कांग्रेसी पार्षद श्रीपाल सिंह धाऊ ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि ये भरतपुर का कैसा नगर निगम है जहां आज भी कूड़ा करकट उठाने के लिए वार्डों में हाथ गाड़ी तक मौजूद नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जब निगम की बैठकों में पार्षदों की समस्याओं पर सुनवाई नहीं होती है तो ऐसी बैठकों में आने का क्या फायदा है। महिला पार्षदों ने भी हो हल्ला करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। बैठक में कांग्रेस के पार्षद संजय शुक्ला, श्रीपाल गुर्जर, दाऊदयाल शर्मा व इंद्रजीत भारद्वाज ने कहा कि नगर निगम अन्य आय के स्रोतों पर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि शहर में जितने भी मोबाइल टावर लगे हुए हैं उनसे शुल्क वसूला जाए, तो वहीं सफाई के नाम पर मैरिज होम संचालकों से भी शुल्क वसूला जाए। राजस्थान राज्य विमुक्त घुमंतु एवं घुमंतु कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष गोपाल केसावत की ओर से शनिवार को समाज की महापंचायत बुलाई गई है। इस महापंचायत में समाज के खिलाफ घट रही घटनाओं के खिलाफ आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। जेडीए और रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय प्रशासन पर मिली भगत करके करीब दर्जन भर परिवारों के घर उजाड़ने और उनकी 30 बीघा खातिरदारी शुदा जमीन को हड़पने का आरोप लगा है। साथ ही घुमंतुओं के साथ आगजनी, लूटपाट, हत्या, रेप जैसे 14 मामले भी उजागर किए गए। कांग्रेस नेता और राज्य विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष गोपाल केसावत का आरोप है कि जब से राज्य में भाजपा की सरकार सत्ता में आई है सुनियोजित तरीके से घुमंतु समाज के घरों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है। केसावत का आरोप है कि अप्रैल 2014 से दिसंबर 2014 तक 8 महीने में ही राज्य में 14 घटनाएं ऐसी दलित जातियों के परिवारों के साथ घटी हैं और न केवल दबंग लोग बल्कि पुलिस भी विमुक्त घुमंतु और घुमंतु जातियों पर अत्याचार कर रही है। भाजपा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट में राजस्थान राज्य विमुक्त घुमंतु और घुमंतु कल्याण बोर्ड को बजट भी आवंटित नहीं किया। दरअसल गोपाल केसावत का दर्द ये है कि पिछली अशोक गहलोत सरकार के समय राजस्थान राज्य विमुक्त घुमंतु और घुमंतु कल्याण बोर्ड बना करके उन्हें अध्यक्ष का पद सौंपा गया था, लेकिन प्रदेश में भाजपा की सत्ता आने के बाद सवा साल में ही उन्हें इस राजनीतिक पद से हटने को मजबूर कर दिया गया और उसके खिलाफ अब उन्होंने न्यायालय की शरण ली है। गुलाबी नगरी को स्मार्ट बनाने के लिए मंत्री जी ने कमर कस ली है। जी हाँ, यहाँ आज जयपुर में यूडीएच की ओर से 2 दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत हुई है। इस कार्यशाला की शुरुआत खुद यूडीएच मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने की है। शहरीकरण की बात पर मंत्री जी ने कहा कि हम वित्तीय रूप से सुदृढ़ है, लेकिन इस पैसे का सही तरीके से उपयोग होना भी बहुत आवश्यक है। शहर को स्मार्ट बनाने के लिए अच्छी योजनाओं पर काम करना उतना ही जरूरी है जितना उनके पूरा होने के बाद उनकी नियमित देखभाल करना। स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमें सभी शहरों में सुलभ कॉम्प्लेक्स बनवाने होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में भी शौचालयों के बनवाने पर जोर देना होगा। अब इस शहर को स्मार्ट बनाने का सपना सिर्फ सपना ही बनकर रह जाएगा या फिर इस कार्यशाला से सीख लेते हुए ये कर्मचारी कुछ हरकत में आकर इसे वाकई में क्लीन सिटी बनाने में कामयाब होंगे। हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में बीजेपी को मिला दर्द अब तक बीजेपी नेता नहीं भुला पा रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परिणामी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि कई जगहों पर बीजेपी को बहुमत मिला था, लेकिन कांग्रेस ने जन बल के आधार पर खरीद फरोख्त करते हुए जिला प्रमुख और प्रधान बनाया, जो की राजनीति के लिए सही नहीं है। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परिणामी आज टोंक में बीजेपी जिला प्रमुख सत्यनारायण चौधरी के कार्यभार ग्रहण समारोह में आए थे। इस दौरान अशोक परिणामी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पहले दावा करती थी कि बीजेपी शहरों की पार्टी है, शहर में रहने वालों की पार्टी है, ऐसे के अंदर गांव में कांग्रेस की पार्टी बनेगी, पंचायतों के अंदर कांग्रेस का राज आएगा, लेकिन उसका उल्टा हुआ। गांव की जनता ने कांग्रेस को नकारा और बीजेपी को जिताया, और जब पूरी तरह से बहुमत बीजेपी के पक्ष में आ गया तो कांग्रेस ने धन बल के आधार पर कई सदस्यों को खरीद फरोख्त की और कई जगहों पर अपने प्रधान और प्रमुख बनाए, जो कि पूरी तरह से सरासर गलत था। परिणामी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता इन दिनों धन बल के आधार पर राजनीति कर रहे हैं और पूरी तरह से राजनीति को बदनाम कर रहे हैं। गौरतलब होगा कि अलवर नागौर में जिला प्रमुख पद बीजेपी अपने हाथ से खो चुकी थी। पूर्ण बहुमत होने के बाद भी जिला प्रमुख नहीं बना पाई, यही हालात टोंक पंचायत समिति में देखने को मिले, जहां प्रधान के पद के लिए बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत था, लेकिन कांग्रेस उसमें बाजी मार गई। ऐसे के अंदर अब बीजेपी नेता इस पूरे घटनाक्रम के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं का जो निर्णय था वो भी इसके लिए बहुत बड़ा दोष माना जाएगा।
विधायक के खिलाफ एकजुट हुए कर्मचारी। महुआ विधायक द्वारा अधिकारियों के खिलाफ रिश्वत लेने एवं काम नहीं करने के आरोप लगाने के बाद दौसा जिला कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों ने उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करते हुए आज जमकर विरोध जताया। महुआ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ओम प्रकाश हुडला ने बुधवार को दौसा में आयोजित जिला स्तरीय बैठक में जिले के प्रभारी मंत्री एवं प्रभारी सचिव के सामने दौसा जिला कलेक्टर एवं एडीएम के खिलाफ जमकर आरोप लगाए थे। विधायक का आरोप था कि अधिकारी उनके कामों को अटका रहे हैं एवं विधायक लैंड से आवंटित कार्यों की फाइलों को दबा करके बैठे हैं। साथ ही रिश्वत लेने जैसे कई गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने अधिकारी एवं कर्मचारियों के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग भी किया था। विधायक द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद अब अधिकारी एवं कर्मचारियों ने विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज कर्मचारियों ने दौसा कलेक्ट्रेट में जमकर विधायक के खिलाफ नारेबाजी की और रैली भी निकाली। कर्मचारियों ने एक निंदा प्रस्ताव पारित कर शासन सचिव को विधायक के खिलाफ शिकायती पत्र भी भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि विधायक ने अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए उनके ऊपर निराधार आरोप लगाए हैं। साथ ही अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैलाश चंद शर्मा ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि एमएलए लैंड के जो आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं वे फाइलें उनके पास आती ही नहीं है। ऐसे में विधायक व्यक्तिगत द्वेष के चलते उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं और उनके ऊपर निराधार आरोप लगा रहे हैं। वसुंधरा सरकार के शासनकाल में वसुंधरा के ही विधायक और उनके अधिकारी अब आमने सामने होने की नौबत आ गई है। दौसा में अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों का यह झगड़ा अब खुलकर सामने आ गया है और कर्मचारी इसको लेकर के आज सड़कों पर उतर आए। सोलर लाइट लगवाने के मामले में कोटा जिले की 45 ग्राम पंचायतों में गड़बड़ियां सामने आई है। जांच में उजागर हुआ है कि सोलर लाइटें लगवाने में यहां पर इकरान में लाख रुपए का घोटाला किया गया है। मामला सामने आने के बाद रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी गई है। सोलर लाइट लगाने के मामले में कोटा जिले की 45 ग्राम पंचायतों में इकरान में लाख 58,000 रुपए की गड़बड़ी की गई है। सरकार की ओर से करवाई गई जांच रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। इसमें 21 पंचायतों ने निर्धारित दर से अधिक दर पर लाइटें लगवाई और इसमें 6,02,000 रुपए का खर्चा बताया। 24 ग्राम पंचायतों ने सस्ती दर पर उपकरण खरीदकर ज्यादा दर दिखाई और 85,65,000 रुपए का खर्चा बताया। दरअसल वर्ष 2012 में राज्य सरकार ने प्रदेश भर में पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के जरिए सोलर लाइट लगवाने के निर्देश दिए थे। सरकार ने इनके लिए 21,800 रुपए प्रति लाइट की दर निर्धारित की थी, लेकिन पंचायत समितियों ने ज्यादा राशि देकर ये लाइटें लगवा ली। गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर राज्य सरकार ने जांच के आदेश दिए थे। 22 जुलाई 2014 को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के आयुक्त ने सभी जिला परिषदों को जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। जाँच रिपोर्ट जिला परिषद को मिलने के बाद जिला परिषद ने ग्राम पंचायतों को वसूली के निर्देश दिए हैं। नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा अब मामले में कार्रवाई के लिए गेंद सरकार के पाले में है। टूरिस्ट वीजा पर घूमने आई विदेशी छात्रा के साथ दुष्कर्म के आरोपी ने आज खुद थाने में जाकर किया समर्पण। मामला 8 फरवरी का है, जहां पर जापान से एक छात्रा जयपुर घूमने आई और उसके बाद आरोपी अजीत ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस पूरे मामले को लेकर आरोपी अजीत सिंह पिछले 4 दिनों से फरार था। दरअसल मुख्य आरोपी अजीत ने पुलिस के चौतरफा दबाव के चलते आज सुबह दूदू थाने में आकर सरेंडर कर दिया। पूरे मामले में कुल 8 गिरफ्तारियां हुई हैं। दरअसल आरोपी अजीत घटना के बाद जयपुर में रामगढ़ मोड़ स्थित अपने दो दोस्तों के पास सबसे पहले चला गया था, लेकिन 9 फरवरी को घटना में लिप्त आरोपी के दोस्त ने फोन पर आरोपी को बताया कि पीड़ित युवती पुलिस में पहुंच गई है। इसी के बाद आरोपी को उसके दोस्तों ने मिलकर दिल्ली भगा दिया। आरोपी दिल्ली से 9 फरवरी को ही पांडिचेरी भागना चाहता था, लेकिन उसे ट्रेन नहीं मिली और आरोपी दिल्ली के महिपालपुर स्थित एक गेस्ट हाउस में रुका, लेकिन अगले दिन 10 फरवरी को आरोपी ने चेन्नई के लिए दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ी, लेकिन आरोपी को हर जगह पुलिस का खतरा मंडराता रहा। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी अजीत के पास पैसे नहीं थे, जिसके चलते उसके ऊपर मानसिक और कई ऐसे दबाव भी देखे गए, जिसके चलते उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। वहीं आईजी डीसी जैन ने कहा कि आरोपी अपने परिचितों के यहाँ भी गया, लेकिन मीडिया में खबरें आने के बाद किसी ने भी उसको पनाह नहीं दी, जिसके चलते उसने खुद देर रात आकर पुलिस को सूचना दी और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया।
आमेर थाना इलाके में दुष्कर्म के प्रयास का एक मामला सामने आया है, जहां पर एक नाबालिग किशोरी को घर में अकेला पाकर पड़ोस में रहने वाला मुकेश जैगर नामक युवक जबरन घर में घुस आया और उस किशोरी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया, लेकिन किशोरी ने हिम्मत करते हुए घर से बाहर निकल शोर मचाया। किशोरी का शोर सुन आसपास रहने वाले लोग जब घर की तरफ इकट्ठा होने लगे तो ये देख आरोपी वहां से भागने की कोशिश करने लगा, जिस पर पड़ोसियों ने आरोपी को पकड़ लिया और फिर आमेर पुलिस को घटना की सूचना दे आरोपी को आमेर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी से फिलहाल पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। पुलिस ने ये बताया है कि किशोरी के पिता जो है मजदूरी का काम किया करते हैं और उसकी माँ भी जो है मजदूरी करती है और वो कल दोनों शाम तक घर नहीं लौटे थे, जिसके चलते पड़ोसी ने इसका फायदा उठाया और घर में घुसकर किशोरी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। फिलहाल लोगों की सूझबूझ के चलते आरोपी को पकड़ लिया गया है और पुलिस अभी आरोपी से पूछताछ कर रही है। हथियारों की तस्करी के लिए एक बार फिर बीकानेर चर्चा में है। महाजन एनकाउंटर और प्रशांत पुनिया हमलाकांड के बाद पुलिस को बीकानेर में हथियार तस्करी का शक हुआ। पुलिस ने जाल बिछाए और तीन तस्कर पकड़ में आ गए। उनसे 7 पिस्टल, मैगजीन और 35 राउंड कारतूस बरामद किए गए हैं। एडिशनल एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने बताया कि बीकानेर में हो रहे घटनाक्रम की समीक्षा की गई। इसमें पाया गया कि बीकानेर बाहर से हथियार सप्लाई हो रहे हैं। ये हथियार कौन ला रहा है, किसके लिए ला रहा है, इसका अध्ययन करने के बाद टीमें गठित की गई। इन टीमों ने पता लगाया और आज 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मधुबनी के रहने वाले विकास चौधरी और मुंगेर निवासी मोहम्मद सुराफ आज सुबह ही बिहार से यहां पहुंचे थे। लालगढ़ रेलवे स्टेशन पर सादा वर्दी में पुलिस उनके पीछे लग गई और दीनदयाल उपाध्याय सर्किल के पास दोनों को घेर कर दबोच लिया गया। उनकी सूचना के बाद खाजुवाला में हथियार खरीदार चक 3 के एम निवासी देवी सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। उससे 2 पिस्टल बरामद हुए हैं। एडिशनल एसपी देवेंद्र बिश्नोई के नेतृत्व में सीओ सिटी ममता गुप्ता, सदर एसएचओ सुरेश शर्मा, कोटगेट एसएचओ संजय बोत्रा, नाल एसएचओ नरेंद्र पुनिया और ट्रैफिक थानेदार इस्लाम खान ने इस पूरे अभियान को पूरा करने की जिम्मेदारी निभाई। बीकानेर हथियारों की मंडी बनती जा रही है। 3 साल पहले बीकानेर में 100 से भी ज्यादा हथियार बरामद हुए थे। पुलिस अब इस बात का पता लगाने में जुट गई है कि यहाँ अवैध हथियार के खरीदार कौन कौन है और हथियारों की खरीद फरोख्त के पीछे जेल में बंद हथियार तस्कर अमीन से क्या संबंध है। स्कूल का होमवर्क नहीं करने पर एक छात्र ने टीचर की डांट से डरकर अपने अपहरण की कहानी रच डाली और परिजनों ने अपहरण का मामला भी दर्ज करा दिया, लेकिन छात्र की बातों पर झालरापाटन पुलिस ने जब मनोवैज्ञानिक दबाव डाला तो पूरी सच्चाई सामने आ गई और पूरी बात झूठी निकली। झालावाड़ डीवाई एसपी खुशहाल सिंह के मुताबिक देर रात झालरापाटन थाने में एक 10 वर्षीय छात्र के साथ उसके परिजन आए हुए उसके अपहरण की कहानी बताते हुए 4 अज्ञात अपहरणकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। वहीं छात्र ने स्वयं के अपहरण होने की पूरी कहानी से पुलिस को अवगत कराते हुए बताया कि वो दिन में पेन लेने के लिए घर से निकला था, तभी रास्ते में इमली गेट के पास एक वैन में 3-4 नकाबपोश बदमाश आए और रस्सी से बांधकर उसका अपहरण करके ले गए। छात्र का आगे कहना था कि उसको थर्मल की तरफ ले गए, लेकिन रास्ते में अपहरणकर्ता एक चाय की दुकान पर रुककर चाय पीने लगे। इस पर उसने मौका देखकर गाड़ी से भाग आया और परिजनों को सारी बात बताई। वहीं छात्र के दादा की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की, लेकिन जब मामला संदिग्ध लगा तो पुलिस ने मनोवैज्ञानिक तरीके से जांच की तो सारी सच्चाई खुलकर सामने आ गई। पुलिस के अनुसार छात्र आदित्य जैन ने स्कूल में होमवर्क ठीक से नहीं किया था, जिस पर उसे स्कूल की टीचर ने डांटते हुए अगले दिन पेरेंट्स को स्कूल में बुलाने की बात कही थी। बस इसी डर से छात्र ने डांट से बचने के लिए अपने अपहरण की झूठी कहानी रच डाली। वहीं झालरापाटन पुलिस ने अपने अनुसंधान में पूरी सच्चाई सामने लाने के बाद अब इस मामले में FIR लगाने की तैयारी की जा रही है। वहीं छात्र द्वारा की गई अपने अपहरण की कहानी से एक बार तो पुलिस भी सख्ते में आ गई और इसको सुलझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। करीब 2.5 साल पहले श्री गंगानगर में शुरू हुआ सीवरेज प्रोजेक्ट अब परेशानी का सबब बन चुका है। इस प्रोजेक्ट की वजह से शहर की कई सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं, जिसके चलते शहरवासियों को पूरी तरह से परेशानी हो चुकी है। करीब 2.5 साल पहले श्री गंगानगर में सीवरेज प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई तो शहरवासियों ने राहत महसूस करी। लोगों को लगा कि अपने तय वक्त पर काम पूरा हो जाएगा और उन्हें सीवरेज का फायदा मिलने लगेगा, लेकिन अब वे ही लोग इस प्रोजेक्ट को लेकर कई बार नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। अपनी धीमी गति की वजह से यह प्रोजेक्ट तय वक्त से भी करीबन 6 महीने ज्यादा ले चुका है। इतना ही नहीं, सीवरेज पाइप डालने के लिए जगह जगह गड्ढे तो खोद दिए गए लेकिन उन्हें भरा नहीं जा रहा, जिसके चलते कई मुख्य सड़कें पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं। यही वजह है कि शहरवासियों का गुस्सा रह रहकर फूट पड़ता है। इस मामले में UIT के अधिकारी भी कोई खासी गंभीरता नहीं दिखा रहे। हर बार निर्माण कंपनी को मामूली हड़का कर छोड़ दिया जाता है। अब देखना यही होगा कि UIT अधिकारी कब इस
मामले में गंभीरता दिखाते हैं ताकि शहरवासियों को आए दिन होने वाली परेशानी से निजात मिल सके। चित्तौड़गढ़ शहर में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने के लिए लाखों रुपए की लागत से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, पर 3 साल बीत जाने के बाद भी यह कैमरे चालू नहीं हुए। चित्तौड़गढ़ शहर में होने वाली गतिविधियों व आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर नजर रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने पहल कर नगर परिषद के सहयोग से शहर के 11 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की शुरुआत की, पर यह तीसरी आंख आज धूल फाक रही है। कुछ समय के लिए सीसीटीवी कैमरे चालू भी किए गए, पर इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होने से जल्दी ही खराब हो गए। नगर परिषद द्वारा लगभग 32 लाख रुपए की लागत से लगाए गए यह कैमरे आज शहर में चर्चा का विषय बने हैं। आम जन की गाड़ी कमाई का लाखों रुपया बर्बाद होने के बाद भी न तो नगर परिषद और न ही पुलिस विभाग इसकी सुध ले रहा है। चित्तौड़गढ़ स्थित विश्व प्रसिद्ध दुर्ग को देखने के लिए देश विदेश से हजारों पर्यटक आते हैं। ऐसे में अगर कोई घटना या दुर्घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? बहरहाल चित्तौड़गढ़ शहर भर में लगे सीसीटीवी कैमरे चर्चा का विषय बने हैं। अगर इन्हें जल्दी ही ठीक नहीं किया गया तो इस मामले में आम जनता का आक्रोश कभी भी बढ़ सकता है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों की मरम्मत और रखरखाव की कमान अब एक ही निजी कंपनी के हाथों में होगी। आउटपुट परफॉर्मेंस आधारित सड़क योजना OPRC के तहत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर धौलपुर अलवर जिले में इसकी शुरुआत होगी। गौरतलब है कि योजना के काम को 1 अप्रैल से शुरू होने की संभावना दिखाई दे रही है। जयपुर मुख्यालय में इसके टेंडर खोले जाएंगे। इसके लिए बड़ी कंपनियों का चयन राज्य स्तर पर किया गया है और वही ठेका प्रक्रिया में भागीदारी कर रहे 8 साल में दोनों जिलों में कुल 5874.81 किलोमीटर के रखरखाव पर राज्य सरकार ने 2371.73 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। ठेका लेने वाली फर्म पंचायत समिति पंचायत नगर पालिका UIT के क्षेत्र में आने वाली सड़कों पर काम नहीं कराएगी। वहीं PWD उन सड़कों पर काम करेगी जहां सड़क पहले से बनी हुई है। बहरहाल सड़कों की मरम्मत और वहां फिर से नई सड़क बनाने के लिए बार बार टेंडर प्रक्रिया नहीं होगी। ऐसे में हर बार टेंडर प्रक्रिया में लगने वाले समय की जाहिर तौर पर बचत होगी, तो वहीं जवाबदेही सीधे तौर पर एक ही कंपनी के हाथों में जाएगी, जिसको लेकर योजना की रूपरेखा को अलवर के इंजीनियरों ने अंतिम रूप दे दिया है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उदयपुर के वलीचा में 580 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे भवन का किया शिलान्यास। स्मृति ईरानी ने इस मौके पर बोलते हुए IIM के डायरेक्टर को निर्देश दिए कि वे बेहतर वाटर मैनेजमेंट पर काम करें और देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अच्छा वाटर मैनेजमेंट कैसे हो सकता है, इस पर उदयपुर में ही शोध किया जाना चाहिए। स्मृति ईरानी ने इस मौके पर IIM के लोगों से अपील की कि वे इस इलाके के आसपास के 5 गांवों को गोद लेकर वहां पर भी अच्छे मैनेजमेंट की शिक्षा दें। इसके साथ ही स्मृति ईरानी ने कहा कि हम IIM से ये अपेक्षा करते हैं कि वे एग्रो बेस्ड एग्रीकल्चर को डेवलप करने में मैनेजमेंट स्किल को किस तरह से काम लिया जा सकता है, इस पर भी काम करें। इस मौके पर स्मृति जुबिन ईरानी और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उदयपुर के लोगों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस शहर के लोगों को स्वच्छता के साथ साथ आतिथ्य संस्कार के लिए हम हमेशा याद करते हैं। उन्होंने कहा उदयपुर के लोगों को कभी किसी चीज की कमी नहीं खलती, क्योंकि इनके व्यवहार के चलते ये जब भी किसी चीज की डिमांड करते हैं उसे पूरे करने की इच्छा हमारी जरूर होती है। आपको बता दें उदयपुर के बलीचा में IIM का यह भवन 4 वर्ष में पूरा होगा, लेकिन IIM सन 2016 के जून में ही इस परिसर में शिफ्ट हो जाएगा। झुंझुनू के युवाओं में देश सेवा में जाने का जज्बा ऐसा दिखा कि हजारों युवा सेना भर्ती में शामिल होने के लिए पहुंचे। जोश और जज्बे के साथ युवाओं ने लगाई दौड़। झुंझुनू के चुड़ैला में 10 दिवसीय सेना भर्ती रैली शुरू। ब्रिगेडियर राजेंद्र भाटिया ने किया भर्ती रैली का निरीक्षण। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया है कि दलालों से रहे बचकर। उन्होंने कहा कि रैली में 400 से 500 युवाओं का होगा चयन। झुंझुनू के चुड़ैला में आज 10 दिवसीय सेना भर्ती रैली शुरू हुई। इस भर्ती रैली में चूरू और झुंझुनू के युवाओं ने हिस्सा लिया।
मार्च पहले दिन चूरू जिले के सुजानगढ़ तथा झुंझुनू जिले के नवलगढ़ क्षेत्र के युवाओं ने हिस्सा लिया। जोश और जज्बे के साथ युवाओं ने दौड़ लगाई, वही सेना भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लिया। पहले दिन रैली का निरीक्षण करने के लिए जयपुर से ब्रिगेडियर राजेंद्र भाटिया भी पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि आने वाले 3-4 माह में ऑनलाइन एप्लीकेशन सुविधा शुरू कर दी जाएगी। यही नहीं, मार्च माह के पहले सप्ताह में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक होगी, जिसमें आगामी वित्त वर्ष की रैलियों की तैयारियां की जाएगी तथा तारीखें निर्धारित की जाएगी। उन्होंने युवाओं को दलालों से बचने का आह्वान किया, कहा कि इस रैली में करीब 400 से 500 युवाओं का चयन सेना के लिए किया जाएगा। सेना भर्ती रैली के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी अल सुबह से चौकसी करते हुए नजर आ रहे हैं। युवाओं को सख्त हिदायत दी गई है कि वे किसी भी प्रकार की अशांति नहीं फैलाए। वहीं जगह जगह पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अजमेर रेलवे स्टेशन पर 40 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ आज उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अनिल सिंघल ने किया। इस सौर ऊर्जा संयंत्र से सालाना 75,000 यूनिट बिजली पैदा होगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अनिल सिंघल आज एक दिवसीय यात्रा पर अजमेर आए। उन्होंने अजमेर रेलवे स्टेशन पर नवनिर्मित सौर ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया। इस सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु रेलवे कंटेनर कॉरपोरेशन तथा सेंट्रल इलेक्ट्रिक लिमिटेड कंपनी तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के बीच करार किया गया था। इस योजना के अंतर्गत अजमेर मंडल के 4 बड़े स्टेशनों पर सोलर प्लांट लगाने की योजना के अंतर्गत यह पहला प्रोजेक्ट है जो अजमेर स्टेशन पर स्थापित किया गया है। इसके पश्चात उदयपुर, भीलवाड़ा और अबू रोड में भी सोलर प्लांट लगाया जाना है। उल्लेखनीय है कि उदयपुर में 20 किलोवाट सोलर के प्लांट का कार्य शुरू हो चुका है। सौर ऊर्जा के इस संयंत्र से एक तरफ जहां पर्यावरण को फायदा हुआ, वहीं सालाना 5 लाख से ज्यादा रेलवे को बचत होगी। इस संयंत्र की कुल आयु 25 वर्ष बताई जा रही है। इस प्रकार 1,31,00,000 रुपए का उत्तर पश्चिम रेलवे को फायदा होगा।